सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। दूसरों को सहयोग देना ही उन्हें अपना सहयोगी बनाना है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। अपने शक्ति में विश्वास रखना ही शक्तिवान होना है। आज का पंचांग 14 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि दोपहर 11:13 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 9:14 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर दोपहर 3:03 तक रहेंगे। इसके उपरांत मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आप सभी को मेष संक्रांति और बैसाखी की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 14 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार, आप अभी सामाजिक मूड में हैं, मनोरंजन और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रख रहे हैं। अपने परिवार के लिए समय निकालें, घर के बुजुर्गों और बच्चों के साथ वक्त बिताएं, नए मौके का मजा लें, किंतु समझदारी से निवेश करें, सोच समझकर काम करें और अपने विवेक को नजरअंदाज न करें। आज अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं। आपके पूर्ण प्रतिस्पर्धी भी आपकी सहायता के लिए आगे आ सकते हैं। दोस्त केवल आपको आगे ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपके कौशल और क्षमता को भी निखारेंगे। इंसान चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो किंतु उसका परिश्रम उसे मजबूत बनाता है, इसीलिए कड़ी मेहनत करें। आज आप किसी असंभाव्य साझेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इससे आपको रोमांस रोमांच और साहसी होने की अनुभूति तो होगी, परंतु यह देखना होगा कि यह साझेदारी कितनी सफल होगी। किसे अप्रत्याशित स्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है, हालांकि यह अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी फैसला लेना होगा। किसे पार्टी में जाने का मौका मिलेगा, इससे नए लोगों से कॉन्टेक्ट बनेंगे। नजदीकी रिश्तेदार के घर धार्मिक आयोजन पर जाने का मौका मिलेगा। परिवार वालों से मुलाकात होने से खुशी मिलेगी। अपने काम को आसान तरीके से करने का रास्ता प्राप्त होने के बाद भी नकारात्मक भावनाओं के कारण काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके अंदर हर एक बात की गंभीरता बढ़ रही है। समस्याओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाएं, लेकिन समस्याओं के कारण खुद को कमजोर बनाने की गलती ना करें। विदेश में काम करने का मौका जल्द ही प्राप्त हो सकता है। यदि प्रयत्न योग्य दिशा में किए जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर काम करने वाले को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर महसूस होने के कारण पार्टनर के लिए चिड़चिड़ापन रहेगा। पेट से संबंधित इन्फेक्शन के कारण तकलीफ हो सकता है, ध्यान रखें। करीबी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सही योग्यता दें। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुछ लोग ईर्ष्या के कारण आपकी आलोचना करेंगे और आपका ध्यान आपके लक्ष्य से भटक सकते हैं। जब पैसे की बात आती है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी होगी जिस पर आप भरोसा करते हैं। निवेश के मामलों में सावधानी बरतें। व्यवसाय की योजना शुरू करने का सही समय है। ये समय सुखद और शांतिपूर्ण भी है। जीवन बहुत सहज और आसान लगेगा। दुष्टों से आगे जाने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि करेगी। बच्चों की किसी हरकत से मन उदास हो सकता है, शांति से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। व्यापार में आपकी मेहनत रंग लाएगी। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। सावधानियां। फालतू घूमने और दोस्तों के साथ समय बिताने से नुकसान होने की आशंका है,
अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। आपका सक्की मिजाज परिवार की चिंता का कारण बन सकता है। बच्चों पर ज्यादा रोक टोक ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पुराने दोस्त से मिलने से यादें ताजा होगी। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। लव पार्टनर की भावनाओं को आहत ना होने दें। आज आप डिवाइन लव को महसूस कर सकते हैं। रिश्तों में डिप्लोमेट होना बेहद जरूरी है। नए अनुभवों के लिए कुछ अलग करने से पीछे ना हटें। अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और रोमांस के सपने लोक में खो जाएं। अचानक कोई अलगाव भी आपको प्रभावित कर सकता है। आपके दोस्त आपके जीवन की वो संपत्ति है जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्त आपके करियर और क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। किसी खास के लिए समय निकालें और उसके साथ अकेले कहीं घूम आएं। निस्संदेह आपको कुछ गुदगुदाते हुए पल मिलेंगे। अपने पार्टनर को प्रभावित करने के लिए कुछ खास सोचें। आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा। आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर सकते हैं और रोमांस में अपने साथी को तलाश करने की इच्छा करेंगे और रोमांस में अपने साथी को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती है, क्योंकि अच्छे हम सफर उतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको एक अच्छी नौकरी की पेशकश मिल सकती है, लेकिन आपको इस नौकरी का लाभ लेने के लिए एक अलग शहर या यहाँ तक कि किसी दूसरे देश में बदलाव करना पड़ सकता है। ये नौकरी की पेशकश बहुत ही आकर्षक लग सकती है, पर यह आपके करियर के दरवाजों परिवार के सदस्यों पर प्रभाव डालेगी। इसलिए इसे स्वीकार करने से पहले आपको विभिन्न कोणों पर विचार करने की जरूरत है। पेशवा डर और अराजकता के कारण आज आपका मूड ऑफ हो सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से आप हर कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ा सब्र रखें। इस व्यस्त दिन से थोड़ा समय मनोरंजन, आनंद और आराम के लिए भी निकालें। आज कोई पुराना दोस्त आपके जीवन में वापस आ सकता है। इस समय जीवन के उतार चढ़ाव में आपको परेशानी तो होगी, लेकिन बहुत से अवसर भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनसे आपके कौशल में सुधार आएगा और क्षमता भी बढ़ेगी। एक दूसरे से बात करना मतभेदों को दूर करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। बिजनेस में साथी से चल रहा मतभेद दूर होगा। प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें। किसी पार्टी को उधार माल देना पड़ सकता है। नौकरी पेशे लोग किसी क्लाइंट की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही हैं और आपकी चिंता का कारण भी यही है। समझने की कोशिश करें कि आपके सोचने और करने के बीच का असंतुलन ही आपके निर्धारित किए हुए उद्देश्यों के पूरा ना होने का मूल कारण है। खुद को राहत दें और अपेक्षा थोड़ी कम रखें। अगर आप अब शांति बनाकर नहीं रखेंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आज का उपाय। आज आप लक्ष्मी माता जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।